हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी मेंटर चैनल पर स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा बिहार सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में ले रहा हूं। और जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, आदमी जो बिहार दौरा की जो परीक्षा होने वाली है 22 दिसंबर को, उसको ध्यान में रख के मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अंतिम 20 दिन और एक महीने में क्या पढ़ा जाए ताकि आपका चयन इस एग्ज़ाम में हो सके। तो ये वीडियो दो सेक्शन में बनाई जाएगी क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाने की वजह से दो पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पे बात की जाएगी और जो दूसरा पार्ट है उसमें साइंस, करंट अफेयर्स, विविध और मिसलिनियस बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर बात की जाएगी। तो उसका जो लिंक होगा आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेंगे। तो बात करते हैं जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पीटी और मेंस। मेंस पे बात नहीं की जाएगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम पीटी पे फोकस अभी देखना है। तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, कुल मिला के 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और पिछली बार जो वैकेंसी थी 1717, उसमें अप्रॉक्स 109 नंबर का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें कि 55 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करने थे, 55 × 2 = 110, तो 109-110 पे सिलेक्शन हो गया था। और इस बार वैकेंसी 2400 के आसपास है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ ऑल अराउंड उसी के आसपास रहेगा। लेकिन फिर भी आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मिनिमम 60% स्कोर करके आना है, लगभग 120 मार्क्स, ताकि आपका चयन पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके। और रही बात नेगेटिव मार्क है, 5 गलत क्वेश्चन करने पे 1 सही क्वेश्चन काटा जाएगा। तो मेरे अनुमान से ये है कि अगर आप क्वेश्चन को जानते हैं, आपको याद नहीं आ पा रहा, लेकिन आप क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पढ़े हैं या फिर सेट में बनाए हैं, तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट लें। क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन है, 1 गलत होता है, 2 गलत होता है तो चलेगा, लेकिन अगर उसमें से 1 सही हो गया तो वो आपको हमेशा बोनस मार्क्स देके जाएगा। अगर हाँ, जो क्वेश्चन आप बिल्कुल अननोन है, जानते नहीं हैं, तो उसको मैं बोलूँगा कि आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाए कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पे। तो पहला टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, 3 सेक्शंस हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न, जिसको आधुनिक भारत कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमें आधुनिक भारत पे, लेकिन फिर भी हमें बिहार से रिलेटेड है तो प्राचीन भारत पे भी ज़्यादा फोकस करना होगा। तो इसमें देखना है प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा स्थल कहाँ था, कौन से नदी के किनारे था और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई गई थी, जैसे स्नानागार, मूर्ति जो पाई गई थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर वहाँ से आया जाता है। फिर दूसरा सेक्शन है बौद्ध प्लस जैन धर्म, दोनों ही बिहार से उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनमें समानता क्या थी दोनों में। उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके जो प्रतीक पाए जाते थे, उनकी जो भाषा थी, उस पर हमें फोकस करना है। और अक्सर देखा जाता है कि जो बौद्ध संगीति या जैन संगीति हुई थी, संगीति जो बौद्ध की चार हुई थी, उसमें कौन से राजा थे, कौन उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और कौन कौन से स्थान पे हुई थी, जैसे प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब तीसरा है कि उस समय वंश जो थे, जैसे इंपॉर्टेंट है हर्यक वंश, उसके बाद गुप्त वंश, मौर्य वंश, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पहले राजा हुआ करते थे उस वंश के और अंतिम राजा हुआ करते थे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, उस राजवंश का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा होता था, उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसे होती थी, ताकि वो कैसे किस तरीके से राज करते थे, उनके समय में क्या क्या निर्माण किए गए हैं, उनके उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और उन राजाओं ने कौन कौन से युद्ध किए हैं, क्योंकि युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद वेद संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस वेद में इसके कौन सा भाग आया है, जैसे सावित्री, सूर्य के लिए कौन से वेद में इनका आया था और कौन से स्थान पे पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद फिर जो विदेशी यात्री, जो हे इंसान, फाहयान या इत सिंह, ये जो आए थे कौन से राजा के शासनकाल में आए थे, और एक बार पैटर्न देखा गया है कि इनके आने का क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे, तो आपको ये सारी चीज़ें लूसेंट में भी दी होंगी और बाकी जो आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है उसमें भी दी होंगी, तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस करें। जो दूसरा सेक्शन है हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर एक सेक्शन से पढ़ना है तो इसमें भी देखना होगा। तो सल्तनत काल, जो उसमें प्रमुख वंश थे, गुलाम वंश थे, तुगलक, खिलजी, और उसके जो इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा क्या निर्माण की गई थी, फिर जो बलबन थे, रजिया सुल्तान थी, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो देखना होगा आपको।
उसके बाद जैसे कि तुगलक वंश में जो दो जो फेमस हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके द्वारा जो नहर की व्यवस्था की गई थी, जो विभागों की स्थापना की गई थी, उसके बाद खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार का नियंत्रक पॉलिसी यूज़ की थी, तो उन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उनके द्वारा बनाए गए विभाग और जो शब्दावली थी उन समय में कि गुप्तचर को क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है ताकि आप वहाँ से स्कोर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और उसके बाद है मुगल वंश, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत में। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसका जो निर्माण उनके द्वारा, राजाओं के द्वारा जो निर्माण किया गया था, कला, जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारा कला जो था उस टाइम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और जो संगीत की व्यवस्था थी, जो जैसे कि लाल किला का निर्माण किया गया है, जैसे कि ताजमहल का निर्माण किया गया है, तो वैसे बहुत सारे स्मारक का निर्माण किया गया था। तो वो किसके शासनकाल में और किसके द्वारा किया गया था, और उस समय जो अकबर के शासनकाल में जो अनुवादक संस्था हुआ करती थी, जैसे कि अकबरनामा किसने लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। उसके लेखक कौन है और उसको किसके बारे में लिखा गया था, ये देखना है। हाँ, और मुगल वंश में जो जो प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे, पानीपत का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था और कहाँ लड़ा गया था, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। और उसी में है मराठा प्रशासन देख लेना है, मराठा क्यों, कौन कौन से राजा थे, उनकी कैसी शासन व्यवस्था कैसी थी, अष्ट प्रधान हुआ करता था, राजा किसे कहते थे, वजीर किसे कहते थे, प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कर का व्यवस्था था, जैसे चौथ किसे कहते हैं, सुदेश मुखी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत में ये देखना है कि आधुनिक भारत हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे कि लगभग 7-8 क्वेश्चन रहेंगे और आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इसमें देखना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, बहुत सारी कंपनी आई थी, फ्रांसिस कंपनी थी, डच कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कब आई और सबसे पहले अपना फैक्ट्री उन्होंने कौन से स्थान पर लगाया है, ये ज़्यादा फोकस करना है। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और जो उस समय के प्रसिद्ध वाइसराय एवं गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो देखना है कि उनके शासनकाल में क्या हुआ था, एवं उनके शासनकाल में जो युद्ध लड़ी गई थी, जैसे कुछ महान जो फेमस हैं, जो वाइसराय या गवर्नर, जैसे कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बैटिंग, डलहौजी के शासनकाल में जो फूट डालो की नीति आई थी, राज झड़प नीति आई थी, इसके बारे में पढ़ना है कि सबसे पहले किसे लिया गया था और बाद में किसे लिया गया था। कैनिंग के शासन में 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये आपको देखना है। उसके बाद फिर कर्जन और बंगाल विभाजन, लॉर्ड रिपन, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने हटाया था। हाँ, फिर उसके बाद बहुत सारे अंग्रेज शासनकाल के कारण के समय युद्ध हुआ करते थे, जैसे मैसूर का युद्ध, टीपू सुल्तान, हैदर अली, उनके बीच में हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलोर की संधि, तो किसके द्वारा हुआ, कब हुआ और किस कौन से गवर्नर हुआ करता था उस टाइम, तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट से फोकस करना है। जैसे आंगला मराठा युद्ध किसके किसके बीच हुआ, आंग्ल सिख युद्ध किसके बीच हुआ, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, कौन कौन से तीन राजा थे बक्सर में, और अंग्रेज की तरफ से कौन उसका सेनापति था, पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया था, क्या कारण था और क्या कारण था कि यह युद्ध मतलब सफल नहीं हो पाए, भारतीय राजा जीत नहीं पाए, ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। 1857 की क्रांति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग स्थान से विद्रोह शुरू की गई थी, और उसमें कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जैसे बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया था, कौन सा स्थान है ये आपको देखना होगा, फिर जैसे कि लखनऊ से बेगम हजरत ने शुरू किया था, तो वैसे ही देखना है कि कौन कौन से जगह से शुरुआत की गई थी और इसके कारण क्या थे, और जो सेनापति ने इनके जो विद्रोह को दबाया है उनका जो नाम है वो आपको एक बार देखना होगा, ताकि एग्जाम में ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ दी जाती हैं और यहाँ पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं, अगर आप एक बार देखे रहेंगे तो आसानी से आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद सामाजिक सुधार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब चीज़ों इनके द्वारा क्या क्या किया गया था, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, सती प्रथा का अंत किया गया था, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह की बातें की गई थी, और साउथ में उस समय बहुत सारे समाज, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, ये सारी चीज़ें शुरू की गई थी। इस पर आप लोगों को लूसेंट में या फिर और भी कोई स्टैंडर्ड बुक है उस पर फोकस करके एक बार देख लेना है, यहाँ से सारी क्वेश्चंस पूछी जाती हैं।
हाँ, उसके बाद आधुनिक भारत में कांग्रेस अधिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कहाँ हुआ था, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जैसे 1906, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1907 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें गरम दल और नरम दल में बंटवारा हो गया था। 1916 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें गरम दल, नरम दल और जो मुस्लिम लीग है एक साथ आ गए थे। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय लाहौर में किया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो आपको ये पढ़ते रहना कि कौन से अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे और कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। जैसे 1931 कराची में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे पटेल थे, और इस समय मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से अधिवेशन में क्या हुआ था और क्यों महत्वपूर्ण था। उसके बाद है कि आपको देखना है कि आंदोलन कौन कौन सा है। आंदोलन में देखना है जैसे असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, 1930 का सत्याग्रह आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कौन कौन से जगह पे किया गया और क्या कार्य किए गए थे और इसमें क्या नया, जैसे कि असहयोग आंदोलन में कुछ नई स्कूल्स की स्थापना की गई थी, विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नियम कानून तोड़े गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका क्या कार्य है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाया, उनकी पुस्तकों का नाम बताइए, उनके द्वारा लिखे गए अखबार के बारे में पूछा जा सकता है। प्रमुख विद्रोह जैसे उस समय का सिद्धू कानू विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पगलापंथी विद्रोह, इन सब चीज़ों को आपको फोकस करना है, इनसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल का क्वेश्चन। हिस्ट्री में ये सारा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अब हम शुरू करते हैं भूगोल। भूगोल में सौरमंडल के बारे में पढ़ लेना है, उसके बाद ग्रहों के बारे में पढ़ लेना है, कौन कौन सा ग्रह है, और छोटे से बड़े और बड़े से क्रम में सजाने के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, जैसे बृहस्पति क्या है। उसके बाद जैसे कि पूछ दिया जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह का रीज़न क्या है कि ये लाल क्यों है। उसका कहीं पूछ दिया जाता है कि शुक्र किसे भग्नि ग्रह कहते हैं, भोर का तारा कौन से ग्रह किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रहों में मिल जाएंगी, ये देख लेना है। उसके बाद पृथ्वी की जो संरचना है कि क्रस्ट में क्या पाया जाता है, मेंटल में क्या पाया जाता है, कोर में क्या पाया जाता है, ऐसे सीमा सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, नीफे सियाल सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि कौन कौन से पोर्शन में क्या क्या पाया जाता है। स्थलमंडल, स्थलमंडल में हमें ये पढ़ना है कि चट्टान, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार हैं, अग्नेय, औषधीय और कायंत्रित, उसमें कौन कौन से प्रकार के चट्टान आते हैं ये आपको पढ़ना है, इस पर ध्यान देना है विशेष रूप से। उसके बाद फिर हम लोग को ज्वालामुखी पढ़नी है। ज्वालामुखी अक्सर देखा जाता है कौन कौन से देश में ज्वालामुखी पाई जाती है, जैसे इक्वाडोर में पाई जाती है, चिमराजो है, भारत में बैरन द्वीप है। तो ये सारी चीज़ें पूछ दी जाती हैं कि कौन से देश में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉम्बली है आपका। उसके बाद फिर देखना है कि हाँ, पर्वत श्रृंखला ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रॉकीज किस में पाई जाती है, एंडीज कहाँ पाई जाती है, फिर जैसे अल्पास कहाँ पाया जाता है, भारत में जो पाई जाती हैं हिमालय के बहुत छोटे छोटे पहाड़ है, पिछली बार पूछा भी गया था, नंगा पर्वत, माउंट ब्लैंक, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है कि कौन से पर्वत कौन से राज्य में है, जैसे साउथ में सबसे ऊँची चोटी किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद हमें वन जो फॉरेस्ट है, वन के प्रकार, उसने कटिबंधीय जिसमें हमेशा बारिश होती रहती है, सदा हरित रहते हैं, कई पत्ते नहीं गिरते, इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, अर्ध पतझड़ जो होते हैं जो कि एक मौसम में अपने पत्ते झाड़ लेते हैं, उनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टुंड्रा में क्या पाया जाता है, टैगा में क्या पाया जाता है, ठंडा वाला स्थान है, तो इन सब चीज़ों को आपको फोकस करना है। इसके बाद वायुमंडल में गैस, कौन कौन सी गैस पाई जाती है, उनकी परसेंटेज क्या होती है, कभी कभी पूछ दी जाती हैं। उसका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है कि वर्षा होती है, बादल बनते हैं, समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है, मंडल के अनुसार देख लेना है। उसके बाद फिर जो स्थानीय पवन है, जैसे चिनूक अमेरिका में, फॉन नॉर्थवेस्टर इंडिया में जो लू चलती है, ये सारी देखते रहना है ताकि आपको पता चले कौन कौन से देश में और कौन कौन से जगह पे कौन सी पवन चलती है। इसके बाद आपको धारा, जो गर्म धारा है, जो ठंडी धारा है, जैसे कैनारी गल्फ स्ट्रीम जो ऊपर जा रही है, जो जो गर्म धारा है,
अबुहुलास ये किस प्रकार की धारा है, क्यूराइन किस प्रकार की धारा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ठंड है या गर्म है या कौन से देश के आसपास में धारा चलती है, तो इसे देख लेना है। उसका नदी, नदी का जो उद्गम स्रोत है, कौन सी नदी कहाँ से पाई जाती है, कहाँ निकलती है और कौन से दिशा में जाती है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और उसका जो वो मेटिंग पॉइंट है वो कहाँ है वो देख लेना है। और अक्सर पूछा जाता है कि नदी कौन से देश में, कौन से राज्य में या फिर कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो नदी के ऊपर बनाए गए बांध हैं उस पर आपको फोकस करना है। जो छोटी मोटी झील होती हैं, भारत में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह पाए जाते हैं पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर, उसके बारे में आपको देखना है। ज्योग्राफी में जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन सा फसल उपजाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन सा फसल उपजाया जाता है, इसके बारे में आपको बहुत देखना है। खनिज, कौन से राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। उद्योग, जैसे कौन से राज्य में है, किस चीज़ के लिए कौन सा उद्योग बनाया गया है, अक्सर पिछले साल मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो इसको आपको देखना है। फिर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स और जो बायोस्फीयर्स होते हैं कौन से जगह या कौन से जगह पे है और उस वो नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा ऐसा एनिमल है वहाँ पे जो विशेष रूप से पाया जाता है, ये आपको देखना है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी नेशनल पार्क्स है उसको देखना है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, इन सब चीज़ों को देखना है ताकि आपको ये याद रहे। और जो तीसरा सेक्शन है आज हम लोग का पॉलिटी, पॉलिटी जो बहुत महत्वपूर्ण है, 8-10 क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं, तो इससे महत्वपूर्ण अधिनियम हम लोग को फोकस करना, 1773, 1784, 1813, 1858, 1909 का अधिनियम, पार्लियामेंट, 1919 का जेम्स फोर्ड वाला और 1935 भारत शासन अधिनियम, ये हमें देखना है। पॉलिटी मूल अधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें सेक्शंस देख लेनी है कि 16 में क्या है, 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी किसमें है, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया, आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 24 में क्या है, संवैधानिक उपचार किसमें है, ये आपको देख लेना है। इसका नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल सारा देख लेना है इसमें कि इसमें पंचायती राज की आर्टिकल किसमें है और इसके द्वारा क्या कहा गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें, ये देख लेना है। पर्यावरण से संबंधित कौन सी धारा है, मतलब अनुच्छेद है, वो देख लेना है। आपको मूल कर्तव्य देख लेना है, कितने मूल कर्तव्य और कौन कौन सी बातें हैं, अक्सर पूछ दिया जाता है कि चार ऑप्शन देखें कि ये मूल कर्तव्य है या नहीं, ये आपको देख लेना है। उसका संविधान की जो बातें जो दूसरे देशों से ली गई हैं, जैसे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, संविधान संशोधन कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रशिया से लिया गया, तो ये सारी चीज़ें पूछ दी जाती है कौन कौन से देश से ली गई हैं, वो ज़्यादा फोकस करनी है आप लोगों को। उसके बाद देखा जाए तो कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूची है, अनुसूची में एक बार नज़र डाल लीजिए कौन सी अनुसूची में कौन सी बातें दी गई हैं। संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, 3-4 प्रकार हैं उसको देख लेना है, कौन कौन से कैसे संशोधन किया जाए और जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं अभी तक पूरे देश में वो देख लेना है। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें संशोधन की गई थी। उसका 1944 में 1978 में जो संशोधन किए गए तो 44वां वो देख लेना है आपको। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून देख लेना है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में आजकल रोज उथल पुथल हो रही है, अक्सर महाराष्ट्र का देखा जा रहा है, कर्नाटका का देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद संविधान में बनाई गई समितियाँ, बहुत सारी समितियाँ थी और जो मंत्रिमंडल था पुराना वाला और उसके आज़ादी के बाद जो नया मंत्रिमंडल था वो आपको फोकस करना है ताकि आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ जाती हैं कि उसमें श्रम में कौन था, उसमें कृषि में कौन थे और शिक्षा में कौन थे मंत्री, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका संवैधानिक संस्था जो कैग है 76 में, अटॉर्नी जनरल है 148 में, इलेक्शन कमीशन, UPSC, इन सब के जो कार्य हैं, इन सब का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इनका जो कार्यकाल है, ये अक्सर पूछ दिया जाता है, इस पर आप देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं और उनके जो द्वारा किए जो कार्य होते हैं, उनका कार्यकाल, उनकी जो टेन्योर होता है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। लोकसभा, राज्यसभा की क्या कार्य हैं और उनका जो स्ट्रेंथ होता है कि कितने लोग होते हैं, कितने राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा या लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, आंग लोग कौन से सेक्शन के तहत 331 के तहत जो उनको नॉमिनेट किया जाता है, ये देख लेना है। जो वित्त विधेयक है, वित्त आयोग है 280, धन विधेयक देख लेना है। आपातकाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से किस किस प्रकार के आपातकाल हैं और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। और पंचायती राज एक बार देख लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पंचायती राज राज्य से संबंधित है तो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इस वीडियो का जो अंतिम सेक्शन है इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम लोग बात कर ले। इकोनॉमिक्स अब जो पुराना ट्रेंड चलता था, जो कोर पूछी जाती थी, जो बेसिक्स, वो अब नहीं पूछी जाती है लगभग एग्जाम में,
करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिर भी आपको जो कोर में पंचवर्षीय योजना है, कैसी योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी मॉडल पे थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की कौन से मॉडल पे थी, या फिर उसमें कौन सा लक्ष्य रखा गया था, जैसे प्रथम में कृषि पे था, दूसरे में उद्योग पे था, तो इसी से सब चीज़ को देखते रहना है। जैसे कि गरीबी हटाओ कौन से पंचवर्षीय योजना पूछी गई, बात की गई थी, तो ये सारी चीज़ें पूछते देखते रहना है। और अक्सर करंट बेस्ड, जैसे बैंक रेट किसे कहते हैं या फिर इसका क्या है, रेपो रेट किसे कहते हैं, इसमें कितना परसेंट चल रहा है अभी, रिवर्स रेट रेपो रेट का क्या रेट है, ये सारी चीज़ें, SLR, ग्रोथ रेट, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ फंड हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा भारत के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये ADB, ये सारी जो है ना ग्रोथ रेट सर्टिफाई करती हैं या फिर बताती हैं कि ये इस साल कितना ग्रोथ रेट रहने वाला है। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी एजेंसीज ने बताया है, क्योंकि अक्सर ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तीसरी चीज़ है कि महत्वपूर्ण समितियाँ अक्सर एग्जाम में पूछा, पिछले एग्जाम में पूछी भी गई थी, जैसे कर से संबंधित समितियाँ, राजा चलैया समिति थी, ये देख लेना है, गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई थी, ये सारी समितियाँ बहुत सारे लूसेंट में भी और दूसरे बुक्स में भी दी गई हैं, तो आप देख लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स खास करके कि कौन कौन सा बैंकों का विलय हो रहा है, कौन कौन से बैंकों के द्वारा नए कार्य किए जा रहे हैं, कौन कौन से योजना चालू की जा रही हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में देख लेना है, ज़्यादातर करंट बेस्ड फोकस करना है। तो ये रहा आपका 4 सेक्शंस, इसके बाद आपके लिए 4 सेक्शंस का वीडियो बनाया जाएगा, और बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का तैयारी मेरे अंदाज से, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज भी 22 दिसंबर जो परीक्षा देने वाले हैं उसमें आप लोगों का चयन जरूर हो। चलिए, ओके, थैंक यू।